ऐतिहासिक परिणाम। इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर मैं केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। एशियाड गेम्स में भारतीय दल के साथ आज यहां पर विशेष तौर पर अपना आशीर्वाद देने आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, निशित प्रमाणिक जी, सभी अधिकारीगण, सभी खेल संघों के पदाधिकारी, सभी मेरे प्रिय खिलाड़ियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, एशियाड गेम्स में भारत का डंका बजाकर चीन की धरती पर तिरंगे की शान बढ़ाकर वापस आए सभी पदक वीरों का और खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया और खेलों के लिए एक नई सोच और सुविधाएं एक से एक बढ़कर दी, आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनकी नीतियां और चुनौतियों में जीत का जज्बा, ये उनकी जमीनी समझ, उनके बलबूते पर आज भारत की पताका चारों ओर फहरा रही है, भारत का यशगान हो रहा है। चाहे स्टार्टअप्स का सेक्टर हो या साइंस का, या स्पेस का हो या स्पोर्ट्स का हो, चारों तरफ भारत की ही धूम है। G20 की सफल मेजबानी से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, पूरी दुनिया में आज भारत का ही डंका बज रहा है। लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र था जहां चंद वर्षों पहले तक यह दिखता था कि भारत की टीम गई, कई बार अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं अधिकारी नहीं, खिलाड़ियों पर ही ध्यान दिया जाता है, उनको ही सुविधाएं दी जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो सोच बदलकर सुविधाएं देकर हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है, हमारे खिलाड़ियों ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पसीना बहाकर अब की बार 100 पार करने का काम किया है। जो आज तक नहीं हुआ वो संभव करके दिखाया है। मुझे पिछले 2 वर्षों में मैं इतना ही कहूँगा, टोक्यो ओलंपिक से लेकर पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, थॉमस कप से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, हर तरफ तिरंगे की धूम और शान बढ़ी है। हमारे खिलाड़ियों ने आपकी उस सोच को साकार करने का कार्य किया है और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आज ये नया भारत एक नई सोच के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निकला है। ये रुकने वाला नहीं है, वो विकासशील भारत से अब विकसित भारत की ओर इतनी तेज गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी भी आगे लेके जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, 2024 के ओलंपिक्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके आएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हों जो खिलाड़ियों के बारे में इतनी बारीकी से पूछते हों। मैं जब भी आपके पास गया, आपने पूछा कि खेलो इंडिया के लिए और पैसे तो नहीं चाहिए, टॉप स्कीम ठीक चल रही कि नहीं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है, फिर आप व्यक्तिगत किसी खिलाड़ी के बारे में पूछते थे कि उसका परिवार गरीब है, इसकी और मदद कैसे हो सकती है। ये अपनापन खिलाड़ियों के प्रति और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हो, ये मैंने तो आज तक नहीं देखा था, ये आपने संभव किया है। हम सभी खिलाड़ी, खेल प्रशासक, खेल संघ आपके सदा आभारी रहेंगे और आपने सदा हमें समय दिया, जब भी आप आए आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
और इन पदक वीरों को और खिलाड़ियों की ओर से एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एशियाई खेल 2022 में इस बार 100 पार के स्वप्न को पूरा कर नया इतिहास रचते हुए हमारे खिलाड़ियों ने सुनहरे भविष्य की नींव भी तैयार कर दी है। 9 वर्ष पहले तक असंभव सा था ये प्रदर्शन। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में कैसे योजनाबद्ध तरीके से खेल खिलाड़ियों को साथ लेकर इस मुकाम को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत रही है, इसी पर आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। और युवा शक्ति का प्रतिबिंब होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है, तो विश्व पटल पर विभिन्न खेलों में भारत की खेल प्रतिभाएं भी नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत हुई। आज देश का खेल बजट 2014 के मुकाबले 3 गुना करीब 2500 करोड़ रुपए का है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप से हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग, बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फॉरेन एक्सपोजर के साथ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस, रिहैब प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिला है। इस कारण भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2028 के बाद के ओलंपिक के लिए भी युवा खिलाड़ियों को इस योजना में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से छोटे शहरों और गांवों में युवा प्रतिभाओं की पहचान पर ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत हजारों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, कोचिंग, डाइट, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा का खर्च, कॉम्पिटिशन आदि सुनिश्चित किया जाता है। अब तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाओं की पहचान की गई है। मोदी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और व्यापक बनाने पर काफी बल दिया है। देश भर में 300 नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से काम हो रहा है, जिनमें से 130 बन भी चुके हैं। आज देश में करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस स्थापित हुए हैं और खेलों के साइंटिफिक पहलू को देखते हुए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेले वो खिले के मंत्र के साथ खेलों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया, तभी तो बड़े लक्ष्य तय करना, उन्हें हासिल करना और एक खेल संस्कृति बनाना ये पूरे देश ने ठाना। युवा खेल प्रतिभाओं को जब पहली बार बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिला, तो गांव, कस्बों और छोटे शहरों से निकलकर हमारे खिलाड़ी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कीर्तिमान रचने लगे। फिर वो चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हो या ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स। इस बार के एशियन गेम्स में देश ने इस बार एशियन गेम्स में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से इस बार अब तक के सर्वाधिक 28 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। 22 अलग अलग खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं।
खिलाड़ियों का सदैव उत्साह बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं हर मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। अमृतकाल में जब भारत नए लक्ष्यों और संकल्पों के साथ तेजी से अग्रसर है, तो हमारे खिलाड़ियों के एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन ने पूरे देश को प्रेरणा दी है और नेशन फर्स्ट के भाव को प्रगाढ़ करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए उमंग और ऊर्जा से भर दिया है। जय हिंद। वास्तव में आज देश में खेलों को लेकर तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, जिसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास, उनकी प्रतिबद्धता एक ताकत के रूप में काम कर रही है, जो कभी एक मार्गदर्शक समान, कभी खिलाड़ियों की हर उपलब्धि पर उनका उत्साह बढ़ाते एक अभिभावक समान, तो कभी अधिकारियों को प्रोत्साहित करते प्रधान सेवक बन भारत को विश्व के खेल मानचित्र पर दृढ़ता से स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रेरणादायक आत्मीयतापूर्ण शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं। ये सुखद संयोग है कि इसी स्थान पर, इसी स्टेडियम में 1951 में प्रथम एशियन गेम्स हुआ था। आज आप भी और आप सभी खिलाड़ियों के, आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। और आपके माता पिताजी को मैं विशेष रूप से वंदन करता हूं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। कैरियर के बहुत सारे रास्ते हो और बच्चे जब इस दिशा में जाते हैं तो शुरू में तो बहुत ही विरोध होता है कि टाइम खराब मत करो, पढ़ाई करो, ये करो वो ना करो। कभी चोट हो गई तो माँ कहती, नहीं अब तो नहीं जाना है, अब मैंने तुझे चोट नहीं होने दूँ। और इसलिए आपके माता पिता भी वंदन के अधिकारी हैं। आप कभी पर्दे पर, तो जो पीछे जो रहने वाले लोग होते हैं वो कभी पर्दे पर आते नहीं, लेकिन ट्रेनिंग से पोडियम तक ये जो सफर है ना, ये इन लोगों के बिना संभव ही नहीं है। साथियों, आप सभी इतिहास रच करके आए हैं।
इस एशियन गेम्स में जो आंकड़े हैं वो भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा हाँ हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x400 मीटर में 61 साल के बाद After 61 years, घुड़सवारी में 41 साल बाद और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे, आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों इवेंट्स में हिस्सा लिया उसमें से ज्यादातर एक प्रकार से हर एक में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है, एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा, एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा
हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं, बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है, वो जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर वन से कम में मानने को तैयार नहीं है और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम्स गेम चेंजर साबित हुई है। और मेरा तो गुजरात का अनुभव है, गुजरात के लोग एक ही खेल जानते हैं, पैसों का। लेकिन जब खेलो गुजरात शुरू किया तो ऐसे धीरे 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 करके एक स्पोर्टी कल्चर बनने लगा और उसी अनुभव से मेरे मन में आया था और उस अनुभव के आधार पर ही खेलो इंडिया हमने यहाँ आरंभ किया और बहुत सफलता मिली। साथियों, इस एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना, ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जहां से भी हैं, वहां के स्कूल कॉलेज जब भी बात करें, हर एक को खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उसी में से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। टैलेंट की पहचान से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग और दुनिया की बेस्ट कोचिंग तक, आज भारत किसी में भी पीछे नहीं है। इस समय 3 है, आप देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं,
इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। आज देश के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। साथियों, एशियन गेम्स में आपके प्रदर्शन ने मुझे एक और बात के लिए उत्साहित किया है। इस बार मेडल टैली में कम उम्र के बहुत से एथलीट्स ने अपनी जगह बनाई है। और जब कम उम्र के खिलाड़ी ऊंचाई को पाते हैं ना, तो वो अपने आप में स्पोर्टिंग नेशन की हमारी पहचान बनाते हैं, स्पोर्टिंग नेशन की निशानी है ये। और इसलिए मैं ये जो सबसे छोटी आयु के लोग विजयी होकर के आए ना, उनको आज मैं डबल बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले हैं। कम उम्र के ये नए विजेता लंबे समय तक देश के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे। युवा भारत की नई सोच अब सिर्फ अच्छे प्रदर्शन में ही संतुष्ट नहीं हो रही, बल्कि उसे मेडल चाहिए, जीत चाहिए। साथियों, यंग जनरेशन आजकल एक शब्द बहुत बोलती है, गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देश के लिए तो आप सभी गोट ही गोट है। आपका जुनून, आपका समर्पण, आपके बचपन के किस्से सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दूसरे युवाओं को बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मैं देखता हूँ छोटे बच्चे आपसे बहुत प्रभावित है, वे आपको देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। आपको अपने ही सकारात्मक प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ना चाहिए। मुझे ध्यान है इससे पहले जब मैंने प्लेयर से आग्रह किया था कि वो स्कूल में जाकर बच्चों से मिला करें, तो बहुत से प्लेयर्स स्कूलों में गए थे। उनमें से कुछ यहाँ मौजूद भी हैं, मुझे नीरज एक स्कूल में गए तो वहाँ के बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की नीरज की। मैं आज आप सभी से फिर कुछ ऐसा ही आग्रह करना चाहता हूँ। देश को आपसे भी तो कुछ मांगने का हक है ना, क्यों चुप हो गए, है कि नहीं? नहीं, ढीला बोल रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है। देश को आपसे भी तो कुछ अपेक्षा है कि नहीं है, पूरा करेंगे? देखिए मेरे प्यारे एथलीट्स, देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनजाने में हुई डोपिंग भी किसी खिलाड़ी का करियर तबाह कर देती है, कई बार जीत की चाहत कुछ लोगों को गलत रास्तों की तरफ ले जाती है। लेकिन इससे ही आपके और आपको, हमारे युवाओं को
आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूं, आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता है और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात मानेगा और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप दृढ़ निश्चय और मानसिक शक्ति के प्रतीक हैं। सिर्फ शारीरिक शक्ति से मेडल नहीं आते जी, मानसिक शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आप उसके धनी हैं। यह आपकी बहुत बड़ी अमानत है, वो अमानत देश के काम आनी चाहिए। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। जब भी मौका मिले, कोई भी आपसे बाइट मांगता हो, इंटरव्यू मांगता हो, दो वाक्य ये जरूर बताइए। मैं देश के मेरे युवा साथियों को ये कहना चाहती हूँ या ये कहना चाहता हूँ, ये जरूर कहिए, क्योंकि आपने वो अचीव किया है जो आपकी बात देश का युवा सुनेगा। मैं आपसे इसे अपना मिशन बनाने का अनुरोध करता हूँ। आपको लोगों से मिलते हुए, अपना इंटरव्यू देते समय, स्कूल कॉलेजों में हर जगह नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जरूर बताना चाहिए। आपको ड्रग मुक्त भारत की लड़ाई को ताकत देने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, आप सुपर फूड की भी अहमियत जानते हैं और ये फिटनेस के लिए कितना जरूरी है ये भी आपको पता है। आपने अपनी लाइफस्टाइल में जिस तरह पौष्टिक खाने को वरीयता दी हुई है और बहुत सी चीज़ें अच्छी लगने के बाद भी खाने से दूर रहे हैं, क्या खाना जितना महत्व इससे ज़्यादा, क्या न खाना वो और महत्व का होता है, वो हमारे नारंग को पूछना, उसकी परेशानी यही है। और इसलिए मैं कहूँगा कि देश के बच्चों में फूड हैबिट्स के संबंध में, पौष्टिक आहार के संबंध में जरूर आप बहुत गाइड कर सकते हैं। आप मिलेट आंदोलन और पोषण मिशन में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको स्कूलों में बच्चों से सही खान पान की आदतों के बारे में अधिक बात करनी चाहिए। साथियों, खेल के मैदान में जो आपने किया है वो एक बड़े कैनवास का भी हिस्सा है। जब देश आगे बढ़ता है तो हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखता है। भारत के स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम यही होता देख रहे हैं। जब देश में परिस्थितियां ठीक नहीं होती तो वो खेल के मैदान में भी रिफ्लेक्ट होती ही होती है। आज जब विश्व पटल पर भारत एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रहा है, आपने उसे खेल के मैदान में भी प्रदर्शित किया है। आज जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को होता है। इसलिए आज आप स्पेस पे देखिए, भारत का डंका बज रहा है, चंद्रयान की चर्चा चारों तरफ है, स्टार्टअप्स की दुनिया में आज भारत टॉप पर है, साइंस और टेक्नोलॉजी में अद्भुत काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में भारत का युवा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए, उसके सीईओ भारत के संतान है, भारत के नौजवान है। यानी भारत का युवा सामर्थ्य हर सेक्टर में छाया हुआ है। देश को आप सभी खिलाड़ियों पर भी बहुत भरोसा है। इसी भरोसे से हमने 100 पार का नारा दिया था, आपने उस इच्छा को पूरा कर दिया। अगली बार हम
इस रिकॉर्ड से भी कहीं ज्यादा आगे जाएंगे। और अब हमारे सामने ओलंपिक भी है, पेरिस के लिए आप दम लगाकर तैयारियां कीजिए। जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिली उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम गलतियों से सीख लेकर नए प्रयास करें। मेरा विश्वास है आपकी भी जीत जरूर होगी। कुछ दिन बाद ही 22 अक्टूबर से पैरा एशियन गेम्स भी शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पैरा एशियन गेम्स के भी सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी फिर से एक बार इस शानदार प्रदर्शन के लिए, शानदार सिद्धि के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आइए संपूर्ण हर्षोत्साह के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों में छिपे स्नेह और सराहना के लिए आपका हार्दिक आभार। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने हमें नई ऊर्जा दी है। आपका आभार माननीय। जिस विश्वास को आपने हम पर प्रेषित किया है उसे हम साबित करेंगे। जो राहें आपने हमारे लिए खोली हैं उन पर दौड़ते हुए नए लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हैं हम। जो अवसर आपके मार्गदर्शन पे हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनके साथ अपने को साबित। हार्दिक आभार माननीय। हमारी खिलाड़ियों की क्षमता में विश्वास दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में